अमेरिका के कैलिफोर्निया मस्जिद के कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को काफी पसंद भी किया जा रहा है। कुछ अमेरिकी गैर मुस्लिम लोगों ने इस्लाम के बारे में जानने के लिए कैलिफोर्निया मस्जिद का दौरा किया है। अमेरिका में बढ़ते इस्लामोफोबिया के बीच ऐसा वाक्य बेहद सकारात्मक है। वहां आए गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए और इस्लाम बारीकियों को समझते नजर आए हैं। साथ ही मस्जिद में इन लोगों को कुरान की एक एक कॉपी भी वितरित की गई ताकि वह कुरान पढ़कर इस पर अमल करने की कोशिश करें। आपको बता दें कि वैसे पश्चिमी देशों में कई बार मुस्लिमों द्वारा गैर मुस्लिम को फ्री में कुरान पाक बांटे जाते हैं, और ऐसा ही कई बार नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क सहित अमेरिका के अन्य राज्यों में भी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के कॉल ने व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों को चिंतित कर दिया है। सीएनएन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। अनुभवी पत्रकार कार्ल बर्नस्टीन द्वारा लिखित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अर्दोगन ने सप्ताह में कम से कम दो बार आदेशों पर सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल किया है। बर्नस्टीन ने कहा कि अर्दोगन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन सहित दुनिया के नेताओं के साथ इस तरह के बातचीत से पता चला है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों द्वारा अमेरिका की राष्ट्रव्यापी सुरक्षा के लिए हानिकारक संयुक्त राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि वह खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं करता है। ट्रंप ने सूत्रों के हवाले से कहा, आमतौर पर सीरियाई संघर्ष और मध्य पूर्व के इतिहास के बारे में अनजान थे, और कहा कि वह अक्सर गार्ड से पकड़ा जाता था, और अर्दोगन के लिए बारीकी नीति चर्चा में समान शर्तों पर संलग्न होने के लिए पर्याप्त ज्ञान का अभाव था। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में सीरिया से सैनिकों को वापस लेने के अमेरिका के फैसले ने तुर्की को देश के उत्तर में कुर्द पदों पर हमला करने की अनुमति दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की नाटो सहयोगी हैं, लेकिन इस जोड़ी के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, क्योंकि वे सीरिया में युद्ध में विरोधी पक्षों का समर्थन करते हैं। अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कर अभी बताएं।